हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गुलाब जामुन की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, रेडीमिक्स पाउडर से कैसे गुलाब जामुन बनाते हैं मैं आज आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा ये रेसिपी आप पूरा देखें, सेंटर में स्किप ना करें। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। हेलो, मेरा नाम सहाना राय है, मेरे किचन में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो उसके लिए स्टोव बंद करके एक पैन चढ़ा दिया है और उसमें हम डाल दिया है पानी। मैंने यहाँ पे 400 ml पानी डाला है, आप देख सकते हो। और उसमें हम डाल देंगे चीनी। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम चीनी डाला है। साथ में हम डाल देंगे इलायची पाउडर। तो मैंने यहाँ पे आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। फिर हम सभी चीज़ों को एक बार मिला देंगे और ऐसे मिलाते हुए हम ये शुगर सिरप को रेडी कर लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो शुगर सिरप जो है ये रेडी हो गया है। नॉर्मली गुलाब जामुन के लिए जो शुगर सिरप होता है वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनता है, इसको पतला ही रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये गुलाब जामुन का जो शुगर सिरप है ये रेडी हो गया है। इससे ज़्यादा हम गाढ़ा नहीं बनाएंगे। तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, ये तार जैसे नहीं बनाना है, उससे पतला रखना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये शुगर सिरप जो है ये पूरी तरह यहाँ पे रेडी हो गया है। फिर हम गुलाब जामुन बनाने की प्रोसेस में चलेंगे। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम रेडीमिक्स पाउडर ले लिया है, आप देख सकते हो। नॉर्मली सभी दुकानों में ये रेडीमिक्स पाउडर मिलता है, आप ये रेडीमिक्स पाउडर से भी बना सकते हो। और मैंने यहाँ पे लिया है दूध। दूध से हम ये डो बनाएंगे। तो डो बनाने के लिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन दूध से ज़्यादा टेस्टी बनता है। और थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते हुए हम ये डो को बना लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये डो जो है ये पूरी तरह यहाँ पे बन गया है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सॉफ्ट। अब ये जो डो है, ये डो को आप जितना अच्छा से गूंदेंगे उतना अच्छा आपका जामुन बनेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये डो पूरी तरह रेडी है जामुन बॉल बनाने के लिए। तो मैंने बॉल बनाने के लिए इसे लोई ले लिया है, आप देख सकते हो। फिर हम हथेली में थोड़ा सा घी लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे घी की जगह पे तेल भी लगा सकते हो। और ये दोनों हथेली की मदद से हम ये डो बॉल को ऐसे राउंड शेप दे देंगे, आप देख सकते हो। और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक डो बॉल बना लिया है। और इसी तरह बाकी जितना डो बॉल्स है सभी को हम बना लेंगे। डो बॉल्स बनाने के टाइम पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, डो बॉल्स में क्रचेस नहीं पड़ना चाहिए। क्रचेस पड़ेगा तो आप तेल में जब भी डालेंगे ये खुल जाएगा और हमारा जामुन जो है अच्छा नहीं बनेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो सभी डो बॉल्स मैंने बना लिया है। फिर हम उसको फ्राई कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने स्टोव ऑन करके एक कढ़ाई बैठा दिया है और उसमें हम डाल दिया है तेल। तेल को हम ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, ऐसे थोड़े गर्म तेल पर हम ये डो बॉल्स को डाल देंगे, आप देख सकते हो। इससे ज़्यादा हम तेल को गर्म नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो आधे डो बॉल्स को मैंने डाल दिया है तेल पर। और गैस का फ्लेम हम पूरी तरह लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम ये डो बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। और एक छोटा स्पून ले लेंगे और स्पून की मदद से हम ये डो बॉल्स को पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हम ये डो बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हो डो बॉल्स को तेल पे डालने के बाद इसका साइज़ जो है ये डबल हो गया है। और ये जो डो बॉल्स है ये पूरी तरह गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो हम इसको निकाल देंगे। इससे ज़्यादा हम कलर नहीं बनाएंगे। डो बॉल्स को निकालने के बाद हम तुरंत डो बॉल्स को शुगर सिरप में डाल देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो डो बॉल्स को मैंने शुगर सिरप में डाल दिया है। और इसी तरह बाकी जितना डो बॉल्स है सभी को हम फ्राई कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी डो बॉल्स मेरा रेडी हो गया है और सभी डो बॉल्स को मैंने शुगर सिरप में डाल दिया है। डो बॉल्स को गर्म रहने के टाइम पर आप शुगर सिरप में डाल दें, तब भी ये बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है शुगर सिरप को। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जामुन जो है ये रेडी हो गया है मेरा। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी है। बहुत सारा लोग बोलते हैं जो रेडीमिक्स पाउडर में जामुन नहीं बनता है, तो आप यही तरीके से आप जामुन को बना सकते हो। ये बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी बनता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये सेंटर से आपको कट करके दिखाती हूँ। अंदर से ये बहुत ही नरम है, बहुत ही जूसी है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटर से भी ये बहुत ही नरम है और शुगर सिरप को बहुत ही अच्छा से यहाँ पे एब्जर्व कर लिया है, आप देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार बना है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये रेसिपी आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट करें। और मेरा रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।